दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आज भी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हैं तो आप थोड़ी देर के लिए चौंक जाओगे, बट ये बात सच है कि विराट कोहली आज भी भारतीय टीम के कैप्टन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है तो शायद आपके मुंह से रोहित शर्मा का नाम निकलेगा। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि भारतीय क्रिकेट टीम का लीडर कौन है तो शायद आप रोहित शर्मा का नाम ना लेकर विराट कोहली का नाम लोगे। और ये कई बार प्रूफ हो चुका है कि भारतीय क्रिकेट टीम को आज भी विराट कोहली ही लीड करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है जहां पे विराट कोहली रोहित शर्मा को सलाह देते हुए हमें देखे गए, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप की बात करे या फिर बायलैटरल सीरीज की बात करे या फिर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप की बात क्यों ना करे, विराट कोहली इन सभी मौकों पर रोहित शर्मा के साथ कप्तानी करते हुए हमें नजर आए। और ये कई खिलाड़ियों ने प्रूफ भी कर दिया है कि आज भी भारतीय टीम में जिसकी चलती है वो विराट कोहली है, ना कि रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ऑन द पेपर कैप्टन है, बट ऑन द फील्ड अगर कैप्टन कोई है और कोई लीडर है तो वो विराट कोहली है। और इस बात को कई बार कई खिलाड़ियों ने प्रूव करा, चाहे वो मोहम्मद शमी का इंटरव्यू हो या फिर कुलदीप यादव का या फिर युजवेंद्र चहल का या फिर सूर्य कुमार यादव का। इन सभी खिलाड़ियों ने ये एक्सेप्ट किया है कि आज भी भारतीय टीम में जिनकी चलती है वो विराट कोहली है। और विराट कोहली की बात को कोई टाल दे ऐसा भारतीय टीम में है ही नहीं। और विराट कोहली वो खिलाड़ी है जो कि भारतीय क्रिकेट टीम को काफी लंबे समय तक कैप्टेंसी के जरिए लीड किया है। मतलब विराट कोहली के पास वो सारे एक्सपीरियंस है जो कि एक कैप्टन में होने चाहिए थे। और इस लिस्ट को अब ज्वाइन किया है जसप्रीत बुमराह ने, और जसप्रीत बुमराह ने भी ये क्लियर कर दिया कि आज भी भारतीय क्रिकेट टीम के जो लीडर है वो विराट कोहली है। जसप्रीत बुमराह ने हालिया एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम में कैप्टन भले ही रोहित शर्मा हो बट जिनकी चलती है भारतीय क्रिकेट टीम में वो विराट कोहली है। और विराट कोहली आज भी भारतीय टीम को कई मायनों में लीड करते हैं क्योंकि विराट कोहली के पास वो सारे एक्सपीरियंस है जो शायद अभी रोहित शर्मा के पास नहीं है। हम सबको पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए विराट कोहली ने क्या करा है। विराट कोहली जैसे बैट्समैन अभी भारतीय क्रिकेट टीम तो छोड़िए पूरी दुनिया में नहीं है, और विराट कोहली की एनर्जी लेवल को मैच कर पाना अभी के टाइम में किसी के बस की बात नहीं है। और विराट कोहली की एनर्जी भाई साहब पूछो ही मत। यहाँ तक कि जसप्रीत बुमराह ने यह भी कह दिया कि मैंने काफी अग्रेसिव खिलाड़ियों के साथ भी क्रिकेट खेला है, बट विराट कोहली की जो एनर्जी है वो डिफरेंट लेवल की है। शायद इसीलिए आज भी वो भारतीय क्रिकेट टीम के लीडर है। उन्होंने बताया कि भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से विराट कोहली कई मायनों में भारतीय टीम के कैप्टन भी है। हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में जहां पे रोहित शर्मा थोड़े से नर्वस नजर आ रहे थे, वहीं विराट कोहली के चेहरे पे थोड़ी सी भी नर्वसनेस हमें देखने को नहीं मिली, और वो उस समय भी काफी एक्टिव नजर आए थे और उनके अंदर जो एनर्जी थी वो हमें फील्ड पर साफ देखने को मिल रही थी। यहां तक कि विराट कोहली की एनर्जी हमें इतनी मोटिवेट करती है कि हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। विराट कोहली ने हमें काफी हद तक मोटिवेट किया है, और वहां पे आपको देखने को मिला होगा कि विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ कई बार कन्वर्सेशन किया था और वो रोहित शर्मा को गाइड कर रहे थे, जबकि कैप्टन के रूप में हमारे सामने रोहित शर्मा थे, बट T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में विराट कोहली कप्तानी कर रहे थे। और अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को जिताने में सिर्फ बल्ले से ही विराट कोहली का योगदान नहीं रहा था, बल्कि उन्होंने कैप्टेंसी के जरिए भी भारतीय क्रिकेट टीम को इस बार टूर्नामेंट के फाइनल में जिताने में बेहद ही अहम भूमिका निभाई थी। क्योंकि आपने देखा होगा कि वो कई बार भारतीय खिलाड़ियों के पास गए और उनको समझाया था। जसप्रीत बुमराह ने यह भी कहा कि अगर रोहित शर्मा को क्रेडिट दिया जा रहा है T20 वर्ल्ड कप 2000 फाइनल को जीतने का, तो वहां पे 50% क्रेडिट विराट कोहली को भी मिलना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली आज भी भारतीय टीम के लीडर हैं। और अगर भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली ने कोई भी अनाउंसमेंट कर दी तो भाई सब सभी खिलाड़ियों को माननी ही पड़ती है, क्योंकि विराट कोहली कभी भी टीम को लेकर हल्के में नहीं रहते हैं और विराट कोहली के लिए टीम सबसे ऊपर है। और उन्होंने विराट कोहली को लेकर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप से भी जुड़ी कुछ बातें को रखी। उन्होंने कहा कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जहां पे विराट कोहली ने शतक जड़ा था वहां पर विराट कोहली आपको कप्तानी करते हुए नजर भी आए होंगे, क्योंकि वहां पे थोड़ी देर के लिए रोहित शर्मा ऑफ फील्ड हो गए थे, जहां पे एक बार फिर से कैप्टेंसी की जिम्मा विराट कोहली के कंधों पर आ गई थी। और विराट कोहली ने उस मैच में भी काफी शानदार तरीके से कैप्टेंसी करी थी। उन्होंने कहा कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने बेहद ही अहम भूमिका निभाई थी भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचाने के लिए। हम सबको पता है कि विराट कोहली ने उस टूर्नामेंट में किस तरह की परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि उन्होंने कैप्टेंसी से भी काफी हद तक भारतीय टीम को सपोर्ट करा था। और 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास दो दो कैप्टन थे, और ये सिर्फ ऑन पेपर नहीं बल्कि हमारे कोच राहुल द्रविड़ ने हम सबको साफ रिस्ट्रिक्शन दी थी कि जो भी बात विराट कोहली और रोहित शर्मा आपको कहे आपको हर हालत में माननी होगी। और राहुल द्रविड़ ने यह तक कह दिया था कि आप दो कैप्टन के साथ खेलने वाले हो, और हमें T20 वर्ल्ड कप में इसका भरपूर फायदा भी हुआ। और हमने देखा कि हमारी टीम ने काफी बेहतरीन तरीके से इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दी है। हमने काफी लो स्कोरिंग मैच को भी जीता है, जहां पे आपने विराट कोहली की एग्रेशन को देखा होगा, उनकी एनर्जी को देखा होगा। हालांकि विराट कोहली के शुरुआती मैचेस में रन नहीं बने थे, इसके बाद भी विराट कोहली की एग्रेशन और उनकी एनर्जी में थोड़ी सी भी कमी हमें देखने को नहीं मिली। दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि भारतीय टीम के कैप्टन अभी भी विराट कोहली है? तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।